पर नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, हमारे पास आज हुंडा एक्टिवा का हेड है, तो मैं आपको इस हेड को फिट करके दिखाने वाला हूँ। और पिस्टन की रिंग की वीडियो मैंने ऊपर इससे पहले डाल दी है, तो आई बटन के लिंक के आप देख सकते हैं कि इसके पिस्टन की रिंग किस तरह फिट होती है, किस तरह वो काम करती है, तो उसकी मैंने पूरी वीडियो बना के डाल रखी है। तो मैं इसको हेड को फिट करके दिखाने वाला हूँ, उसके बाद जो मेरे पास ये पूरा इंजन है तो इसकी वीडियो आने वाली है, उसकी वीडियो मैं आपको दिखाऊँगा इसके अगले पार्ट में कि किस तरह क्या काम होता है। हमारे पास ये वाल है दोस्तों, वाल सील। और दोस्तों, इसका सामान ले लेता हूँ। दोस्तों, ये सारा सामान इसका है, जैसे कि मैंने इस पूरा साफ कर लिया है, उसके बाद मैं इसको फिट करके दिखाने वाला हूँ किस तरह फिट होगा। दोस्तों, सबसे पहले जो है ये हेड है, तो ये ख़राब करवाना पड़ता है इंजन खोलने के बाद। तो इसको सबसे पहले यहाँ साफ़ करें दोनों तरफ, उसके बाद वालों को साफ़ करने का कुछ तरीका मेरे तरफ से कुछ इस तरीके से, और ये इस तरीके से, क्योंकि अगर यहाँ अगर मिट्टी वगैरह जाएगी इस कोने पर तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद हम कुछ इस तरीके से इस वालों को साफ़ कर लेते हैं ताकि बेहतरीन तरीके से साफ़ हो जाए। ये साफ़ होने के बाद हम हेड इस तरह रखते हैं। तो जो सबसे पहले ये दूसरी तरह की सिम आती है ये, उसके बाद हम इसको ऐसे लगाते हैं दोनों तरफ, और ये दोनों तरफ लगा लिए जैसा कि। तो दोस्तों, उसके बाद ये वाल सील होती है। वाल सील क्या काम करती है, उसको ऑयल आने से रोकती है। तो उसके बाद सबसे पहले ये वाल सील लगेंगी बड़ी प्यार से, तो बैठ जाएंगे और ये वाली वाल सील इस तरह, दोनों वाल सील जैसे कि दोस्तों लग चुके हैं। उसके बाद दोस्तों वाल बिठाते हैं। वाल बिठाने का तरीका दोस्तों ये देखिए, ये छोटा वाल है, छोटा वाल यहाँ बैठेगा, ये वाला, दोस्तों इस तरीके से बिल्कुल टाइट, ये वाले हैं। इस तरीके से आप चेक कर लें, ये है नहीं है दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे आप, अगर आपके पास वाल कूलर है तो सही है, अगर वाल कूलर नहीं है तो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। आपको कपड़े को कुछ इस तरीके से बनाना है, कपड़े को ऐसे गोला सा बनाना है, उसके बाद ये इसके वालों के नीचे लगाना है ऐसे, और एक बार दबाना है। ये दबाने के बाद दोस्तों आपको ये जो है स्प्रिंग इसकी लगानी है। हर गाड़ी में दोस्तों सेम होगा, लेकिन वाल कूलर इस गाड़ी में मेरे को लगता है नहीं लगेगा, क्योंकि वाल कूलर लगा सकते हैं आप, लेकिन जो हाथ से ही बैठ जाए फिर वाल कूलर की ज़रूरत क्या पड़ेगी। वैसे करते हैं कुछ इस तरीके से आप इसको लगाएंगे, और उसके बाद दोस्तों जो है, उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से दो उंगली दोस्तों, देखिए वाल बैठ गया, ये देखिए। अब इसी तरीके से कुछ दूसरा वाल, फिर इस पर, और फिर इसका ये, और ये दो नीचे काटर होती है दोस्तों, ये काटर मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, ये वाली काटर, ये बहुत मेन काटर होती है जो कि रोक के रखती है, इसे ध्यान रखिएगा। कुछ इस तरीके से यहाँ दोनों दबा दें, बैठ गया आप देख रहे हैं, ये देखिए बैठ गया। दोस्तों इस पर हल्की हल्की, ताकि ये निकलने तो नहीं रहा, इसलिए चेक करने के लिए दोनों तरफ, कुछ इस तरीके से। और दोस्तों ये लगाएंगे ये वाला, इसको निकाल लेते हैं सबसे पहले। ये निकालने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से लगेगा ये, आगे ये टाइट करने का देख रहे हैं आप, ये स्क्वायर टाइप में है, इस तरीके से लगाएंगे यहाँ। और ये पिन, ये छोटी पिन है, दोनों पिन दोस्तों बराबर हैं, तो ये पिन यहाँ लगाइए,
इसी तरीके से दूसरा। दोस्तों ये देखिए दोनों अंदर हो चुके हैं, दोनों अंदर पहुंच चुके हैं, तो इस तरीके से लगेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से दोनों बैठ जाएंगे। और दोस्तों इसको चेक करने का तरीका मैं अगर आपको बताऊं तो इसके अंदर आप पेट्रोल डाल के चेक करिएगा इस तरफ, ये पैकिंग की तरफ, तो ये वाला वाल लीक ना हो, और इधर से साइलेंसर की तरफ डालेंगे तो ये वाला वाल लीक ना हो। तो दोनों वाल लीक नहीं होने चाहिए, अगर लीक होंगे तो दोस्तों इसको दोबारा ख़राब कराइए, क्योंकि तो ख़राब में हो सकता है दिक्कत हो गई हो। तो इस तरीके से वाल चेक करते हैं। और चलिए दोस्तों हम आगे बताते हैं, इस इंजन की पूरी वीडियो आएगी आपके लिए। ये हेड फिट करना बता रही है, पिस्टन का मैं आई बटन में लिख दे दूँगा, और ये इंजन की फिटिंग की अगली वीडियो आएगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, और आप बताएँ कॉमेंट में कैसी लगी वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।